तो देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स आज का टॉपिक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मैट्रिक्स क्या है, और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में जो लिखा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ये आपको एवरी क्लास में यूज़ होगा, जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में हो या अगर आप बीएससी में हो, ठीक है, अगर आप एमएससी में हो, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे आईआईटी जैम का, ठीक, आईआईटी जैम के अगर ये सब एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप नेट का दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, सभी को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हर जगह यूज़ होगा, तो पूरा स्ट्रक्चर होगा इसमें। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में टोटल कितने टाइप के होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टाइप के मैट्रिक्स होंगे, सारे को हमने यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ओके। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला देखिए क्या होता है, सबसे स्टार्ट बेसिक से आते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इक्वल ए आई जे कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, एम एन एम बाई एन का ये ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। इसी किसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये कोई मैट्रिक्स है। तो अब देखिए क्या होते हैं टाइप में, पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा ए इक्वल ए आई जे इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इज ए इक्वल ए आई जे इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ओनली वन रो, यानी कि इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, कॉलम कितने भी हो डिपेंड नहीं करता है यहाँ पर, तो मैटर नहीं है, ठीक है। कॉलम यहाँ मैंने एन लिखा है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल वन रो होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, रो मैट्रिक्स। 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए इसमें एक रो है, फर्स्ट रो है, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1/5 इसको बोलते हैं, 1/5। तो ये जो ऑर्डर का बना है ये क्या कहलाएगा हमारा, रो मैट्रिक्स। क्लियर, समझ आया। तो कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उसमें केवल ओनली वन रो हो, ओनली वन रो होगा तभी वो मैट्रिक्स क्या बनाएगा हमें, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स जो सेकंड होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच कंसिस्ट ओनली वन कॉलम, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल वन कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, तो रो की जो संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन जो कॉलम है, कॉलम हमारे एक ही होंगे। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा ये फिलहाल कितने का है, तो 4/1, तो यहाँ पर जो है वो कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी वो हमारा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और इनकी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर PDF दे दूंगा, उसका मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है, उसमें आपको मिल जाएंगे इसकी डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप 12th में स्टैंडर्ड में, तो आपको यहाँ पर ऐसे सो तो नहीं करना पड़ेगा, वहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ इसका जो है नोट्स जो है, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे सर नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। मैं बस यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक। तो फर्स्ट क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल वन रो हो, सॉरी वन कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स इन विच कंसिस्ट ओनली वन कॉलम, ओके। अगला है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड है, सब टॉपिक वाइज चलेंगे, लाइन से चलेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा जो रहता है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को ही जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो किसी भी मैट्रिक्स के यदि ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाए हमारे, जीरो हो जाए, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स के लिए आपको यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप कितने बाई कितने का भी ले सकते हैं, जैसे 4/3 का ले रही है या 3/4, कुछ भी 3/2, 0, 0, लेकिन हाँ हर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, सारे क्या है, जीरो मैट्रिक्स है,
ये भी क्या है हमारा 0000000000 ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट सिंगलटन मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? सिंगलटन मैट्रिक्स। अब सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है, देखिए तो सिंगलटन मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स इफ हैज, इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो वही हमारे क्या कहलाएंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं जैसे 2, 3 या 4, जरूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, रूट में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के जो मैट्रिक्स बनते हैं जो 1x1 ऑर्डर के हों, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। या अदर डेफिनेशन बोल सकते हो कि इफ इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट हो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगा। फिफ्थ नंबर देखिए कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नाम में दिख रहा है आंसर इसका, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो आपको हॉरिजॉन्टल शेप में दिखाई दे यानी कि क्षैतिज के फॉर्म में दिखाई दे, यानी इस पैटर्न में जो दिखाई दे उसको हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी एलिमेंट दे सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि वही हो, ये दे दिए, ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो जो एम बाई एन होता है, यहाँ पर जो रो होता है हमारा एम होता है, इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यदि नंबर ऑफ रो की संख्या कॉलम से लेस देन हो जाए, यहाँ पर देखिए इक्वल नहीं डाला हूँ मैं, इक्वल डालने से वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम से लेस देन हो जाए देन मैट्रिक्स जो बनेगा वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, कौन सा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स होते हैं जो हमारे वर्टिकल मैट्रिक्स होते हैं, सिक्स नंबर वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जो इस पैटर्न का दिखाई दे कैसा, वो वर्टिकल यानी कि इस पैटर्न में हो, यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है, यहाँ पर जो m बाई n का ऑर्डर होता है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो हैं वो क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर देन हो जाए, नंबर ऑफ रो की संख्या ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपका वो। और यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि दो ही है, 1, 2, 3 दे दिए, ये भी हमारा जो है कौन सा बनेगा, एक वर्टिकल मैट्रिक्स बनेगा। तो 4, 8, 2, 3, 2, 1, 6, 0, 4, 8, 2 कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो की संख्या क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई नंबर ऑफ कॉलम से, तो इसलिए जो मैट्रिक्स जो बनेगा इस टाइप के मैट्रिक्स वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएंगे, तो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक। ये था वर्टिकल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो स्क्वायर आप छोटी क्लास में पढ़े हो, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसमें ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो, ये आपका जो बनता है वो कौन सा होता है, स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ए इक्वल ए आई जे इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल एन, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे देन वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल है 1, 2, 3, 4 दो बाई दो के, एक बाई एक का, देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है, 1x1 का, 2x2 का, 3x3 का, 2, 4, 6, 8, 2, 1, 9, 8, 0 देखिए 3x3 के ऑर्डर हैं, ये 1x1 का है, ठीक है, ये 2x2 का है, जैसे 4x4, 5x5, 6x6 इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे वो कौन से मैट्रिक्स होंगे हमारे,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या हो गई कि नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में घुस गए तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप बनेंगे आगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके बाद हो गया 8 नंबर, काउंटिंग देते जा रहा हूँ, आपको आसानी होगा पढ़ने में। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल A1 to A13, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अदर एलिमेंट क्या कहलाएंगे, जीरो हो जाए, तभी ये मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक्स के लिए खास बात ये भी है, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगा जब वो पहली बात तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एक्सेप्ट ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अदर एलिमेंट सारे जीरो हो जाएं, दम तभी वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, तो वो बनेगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, दो बातें हुई इसमें, पहली बात एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी बात कि उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पर जो है वो छोड़ के क्या होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, जीरो होने चाहिए, और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये जो है डायगोनल एलिमेंट। फिर किसी बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसमें 0, 0 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ 0, 0 भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह के मैट्रिक्स है तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स में कहलाएगा फिर, ठीक है। बट लेकिन रूल ये है कि यहाँ पर जो है जो एलिमेंट होने चाहिए वो क्या है, कुछ भी एलिमेंट होने चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट जनरली हम लोग लेते हैं। यहाँ पर क्या, कौन से एलिमेंट लेते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पर 1, 2, 4 कुछ भी ले लो ऐसा, ठीक है। फिलहाल इस एलिमेंट को छोड़ के अदर एलिमेंट अगर जीरो दिख रहे हैं तो ये हमारा कौन सा बनेगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसको छोड़ के अदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, हमारे जीरो होने चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ही कौन सा मैट्रिक्स आ गया, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, तो सेम ये भी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ प्रिंसिपल डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर स्केलर एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। इट मीन्स इसकी शॉर्टकट में डेफिनेशन क्या बनती है, ए आई जे की वैल्यू या तो वहां पर जीरो होगी या तो के होगा, के मीन्स कोई स्केलर नंबर होगा, और ये तब लिखना है जब आपको आई और जे दोनों इक्वल ना हो, आई और जे, यानी कि ये जो आई होता है इसे A1J लिखते थे, A11, A12, A13, तो जब 1, 1 ये 1 और 1 दोनों इक्वल हो गए तो वहाँ पर हमको K लिखना है, और जब 1, 2, A12, A13 ये सब इक्वल नहीं है, 1, 2, 1, 3 इक्वल नहीं है, उस केस में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 0। तो इसका पैटर्न ये बनते जाएगा, कैसा बनेगा, A11 सेम हो गया तो K लिखना है, ये 0, ये 0, ये 0, ये के, ये 0, ये 0, ये 0, ये के। अब यहाँ के क्या है, के कोई नंबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए के इज ए स्केलर, स्केलर में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2, 2, 2, यानी एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, 2, 2, 0, 0, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, पहली बात, सेकेंड कि जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में होंगे वो सारे सेम एलिमेंट होंगे, तभी वो कौन सा बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। भाई क्लियर होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स हो, क्योंकि डायगोनल बोला था कि डायगोनल में कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अदर डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्केलर मैट्रिक्स बोलता है जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, सेम। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक तरह से डायगोनल भी बनेगा, ये डायगोनल में भी है, डायगोनल में क्या बोला था, कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ सेम रखो चाहे डिफरेंट रखो, लेकिन
तो इसके डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो एकदम क्लियर होना चाहिए भाई। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स के बाद आप ले सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कई ऑथर इन्हें यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स दो बोथ आर मीनिंग सेम, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक तो ए इक्वल ए आई जे इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे को आप कैसे लिख सकते हो कि जो जीरो या वन आ जाए, यानी कि आई नॉट इक्वल जे, और जब आई इक्वल जे हो जाए तब वहाँ पर आपको वन डालना है, यानी कि 1/1 का, 2/2 का। सेम डेफिनेशन है स्केलर टाइप का, बट स्केलर कहता है कि के की वैल्यू कोई स्केलर होनी चाहिए और यहाँ पर मेंसर है ऑलवेज वन होने चाहिए। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, 1 1 1, अदर एलिमेंट्स 0, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या खास बात हुई, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 4 भी हो सकता है। इनकेस अगर यहाँ 1 1 हो गया तभी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर उसके नीचे आए डायगोनल मैट्रिक्स, फिर आए स्केलर मैट्रिक्स, फिर आया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन बनती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है हमेशा क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। तो तभी वो क्या बनेगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये था हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? अब बात करते हैं 10 नंबर, जिसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स भाई? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है भी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एबो एंड बिलो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ट्रायंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि अगर ये दो टाइप के होते हैं, इसके अंदर में आता है आपका कौन सा मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, मतलब अपर ट्रायंगुलर मीन्स अपर में आपको जो मेन जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उस प्रिंसिपल डायगोनल के अपर में एक नंबर्स फॉर्म में दिखाई देंगे, नीचे 0 होगा, और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे बनेगा ऊपर नहीं। कैसे, एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, ए आई जे इज कॉल्ड ए इक्वल ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक तो पहली बात, इसका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सेकंड कि इनके जो ए आई जे जनरेट होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ए आई जे की वैल्यू 0 होगी, ए आई जे की वैल्यू, ये एलिमेंट कुछ कुछ एलिमेंट 0 होंगे। कौन कौन से 0 होंगे, जब आपका आई जो है ग्रेटर देन हो जाए जे से, यानी कि नंबर ऑफ रो, सॉरी नंबर बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो रो है वो कॉलम से क्या हो जाए अगर ग्रेटर हो जाए, तब उस केस में हमको वहाँ 0 लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 3/3 का, 3/3 के ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 3/3 के लेते हैं तो ये 1 1 होता है, 1 1 सेम हो गया, सेम होने पे यहाँ पर कोई नंबर आ जाएगा, मान लीजिए 1 ले लिया, ए 1 2 1 2 1 2 पोजिशन पे है, 1 2, यानी कि ए 1 2 में ये आई है ये जे है, आई बड़ा है क्या नहीं, छोटा है, लेस देन है, लेस देन पे यहाँ पर कोई नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर आएगा, ए 1 3 भी लेस देन है। तो इन केस में यहाँ पर देखिए ए 2 1 2 1 2 1 में 2 बड़ा हो गया 1 से, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। जब आई की वैल्यू जे से बड़ी हो जाए उस केस में वहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो यहाँ यहाँ पर 2 2 सेम है क्या, तो इक्वल है, तो इक्वल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर तो भी कुछ भी नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी कोई नंबर आ सकता है। तो ये जो बनेगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ये आई यहाँ पर जो बना ए 1 ए 2 1, ये 2 3 1
और ये बना है आपका 3 2। तो ये सारे में देखिए आई वाला जो पोजीशन है वो बड़ा है, ग्रेटर है किससे, जे से। इसका मतलब वहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है, 0। सिमिलरली लोअर ट्रेंगुलर में जस्ट अपोजिट ए आई जे में 0 लिखना है, कब, जब आई की वैल्यू लेस देन हो जाए जैसे। यानी कि इसके जो एग्जांपल बनेंगे कैसे बनेंगे, लोअर ट्रेंगुलर में यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 5 6 ये नंबर बनेगा, ये पोजीशन और ये पोजीशन आपको 0 देंगे। देख लीजिए यहाँ पर 2 1, ये वाला पोजीशन कौन सा है, A 1 2। यहाँ पर देखिए 1 लेस से क्या है, 2 से लेस देन है, इसलिए वहाँ पर 0 आ जाएगा। A कौन सा पोजीशन है, 1 3, 1 लेस देन है 3 से, तो 0। ये कौन सा पोजीशन है, 2 3, वो भी लेस देन है, बाकी सारे इक्वल या ग्रेटर देन होंगे, तो इस वजह से वहाँ पर कोई नंबर आएंगे। तो ये जो बनेगा देखिए अपर ट्रायंगुलर के शेप में बनेगा, ठीक है। ये देखिए जो बन रहा है एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में बन रहा है, लेकिन ऊपर एबो बन रहा है, और ये कहाँ पर रहे हैं, मेन डायगोनल के नीचे बन रहे हैं, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। ये भी देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर, इसको अपर ट्रायंगुलर। ये सारे थे ट्रायंगुलर की डेफिनेशन। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर, एक और होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तभी बनेगा जब उसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, और यदि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो उसकी उसको मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर 0 नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, जैसे ए इक्वल है मान लीजिए 1 2 3 6, क्या लिखा हूँ, 1 2 3 6। अब मैं इसका जब मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँगा, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूंगा बाद में, बट अभी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए डिटर्मिनेंट नहीं बताया रहा है, फिर भी डिटर्मिनेंट की क्लास लूँगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 into 6, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 6, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6, कितना आया, 0 आया। मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे आप, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर कौन से हो गए, नॉन सिंगुलर ले लीजिए 1 2 3 4, देख लीजिए ये नॉन सिंगुलर 4 - 9 विच इज़ नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर, 0 हो गया सिंगुलर। तो ये थे हमारे टाइप। अभी इसके बाद स्पेशल टाइप है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक, हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, स्क्यू हर्मिटियन। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये था हमारा पूरा नॉर्मल जो मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, बेसिक टाइप होते हैं, ये बेसिक टाइप है। इसके बाद हम स्पेशल टाइप पढ़ेंगे, क्लियर।